दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवो का। ईवो में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका स्पोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। ईवो देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तब भी कंटिन्यूसली इसके प्राइस में आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है, करेक्शन देखने को मिलता है, जिसका कि रीज़न है कि बियर मार्केट में इसकी सप्लाई अनलॉक हुई है। अगर इसकी सप्लाई पे कंट्रोल होता तो ईजिली इसका जो प्राइस है वो $3 से लेके $5 के टारगेट को अचीव कर सकता था। हालांकि इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कब तक ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। इन केस अगर आपने ईवो को हाई प्राइस में बाय करा है तो कहाँ पे आपको DCA का जोन मिलेगा और कब तक रिकवरी के चांसेस हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम ईवो के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.37 के रेंज में देखने को मिलता है, 6.6% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसका हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.34 से लेके 0.37 के रेंज में देखने को मिलता है। अच्छी रिकवरी हुई है इसके प्राइस में, पर आपकी फ्रेश बाइंग करेक्शन पे होगी, जो जोन होगा 0.35 का, जहां पे आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री के लिए आपने वेट करना है। मार्केट कैप 325 मिलियन का है, अभी इसका मार्केट कैप बहुत कम है, धीरे धीरे ये 1 बिलियन के रेंज को क्रॉस करेगा, उसके साथ ही इसका जो प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। अगर इसका हम 24 आवर के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको सिर्फ 87 मिलियन का देखने को मिलता है। जैसे जैसे इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, वैसे वैसे ही चांसेज होंगे इसके प्राइस के रिकवर होने के। अगर इसका हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 881 मिलियन की है, टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है। तो आप देख सकते हैं अभी ऑलमोस्ट इसकी मैक्सिमम सप्लाई मार्केट में आ चुकी है, जिस वजह से इसके प्राइस में करेक्शन आया है, डाउनफॉल आया है। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को समझना चाहते हैं या मार्केट में कब कब इनके कितने टोकन अनलॉक होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। अब अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई लगा है 3.76 का, जिससे ये 90% के डाउन ट्रेंड पे है और ऑलमोस्ट हम अपने बॉटम के पास है। तो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं ईवो के चार्ट पैटर्न को। तो अब देख सकते हैं, पहले हमने ईवो का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग अभी ईवो का प्राइस अप ट्रेंड में मूव हो रहा है, और जब तक हम अप ट्रेंड में होंगे तब तक आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू रिकवरी होगी। अब हायर हाई हायर लो में होता क्या है, हम अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ही एज ए सपोर्ट यूज करते हैं, तो प्रीवियस रेजिस्टेंस का जोन निकल के आएगा 0.35 से लेके 0.34 का, जहां पे मैंने आपको बताया है कि अगर आपने ये सारे बॉटम मिस कर दिए हैं तो आपकी बाइंग हो जाएगी। फिलहाल अभी हमारी कैंडल्स 200 EMA के ऊपर है, तो मार्केट में रिकवरी हो सकती है, पर ओवरऑल मार्केट के साथ ही, मतलब बिटकॉइन इथेरियम रिकवर होता है तो उसके साथ ही इसमें भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हम एक रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहे हैं, जिसमें कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है 0.44 का जोन, और जो हमारा सपोर्ट है वो है 0.3 का जोन, जहां पे आके हम होल्ड हो रहे हैं। मतलब जब हम 0.30 के रेंज में जाते हैं तो मार्केट में रिकवरी होती है, और जब हम 0.44 के रेंज में जाते हैं तो करेक्शन आता है, डाउनफॉल आता है। जब तक हम इस चैनल में रहेंगे, अपने सपोर्ट अपने रेजिस्टेंस को ही रिस्पेक्ट करेंगे, जब हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे तब रिकवरी के साथ आपको जो टारगेट है वो 0.55 का, 0.90 का या फिर 1.5 तक का टारगेट मिल सकता है। पर उसके लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस है ना 0.44 का, हम उसका ब्रेकआउट दें, और अप ट्रेंड के साथ अच्छी वॉल्यूम के साथ अगर हम रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे तभी आपको हायर लेवल के टारगेट मिलेंगे। इन केस अगर आपने हाई प्राइस में बाय करा है तो आपको जो DCA का जोन मिलेगा वो जोन होगा 0.30 के नीचे, उसके ऊपर आपने DCA नहीं करना। और फर्स्ट एंट्री के लिए जिन लोगों का बॉटम मिस हो गया, उनके लिए लेवल मैंने आपको बता दिया है कि 0.35 से लेके 0.34 का होगा। अभी डेली के अकॉर्डिंग ईवो में कोई खास वॉल्यूम है नहीं, इसलिए आपको मैक्सिमम यहाँ डोजी टाइप कैंडल देखने को मिलती है। आप मॉनिटर करें, यहाँ पे या तो अपने हम सपोर्ट का ब्रेकडाउन दें या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दें, तभी आपको बड़ा मूवमेंट मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर इसके साथ इसके हम वीकली टाइम इंटरवल की बात करें तो वीकली के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हम अपने बॉटम के पास आ गए हैं, यहाँ से ट्रेंड के रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए जो मैंने आपको एंट्री के रेंज बताए हैं वहाँ पे आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। इन केस अगर आपने $2 के रेंज में या $2.50 के रेंज में बाय करा है, फिर भी आपको लॉस बुक करने का कोई फायदा नहीं है।
आप वेट करें, अगर आपको 0.30 का बॉटम मिलता है तो आप यहाँ पे सेकंड एंट्री और डीसीए कर सकते हैं। इसके बाद रिकवरी के साथ आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। बट देखिए, रिकवरी बुल मार्केट में ही होगी, अभी इतनी स्ट्रांग रिकवरी नहीं होगी कि अगर आपने $2 का बाय करा है या $2.50 का बाय करा है तो आप प्रॉफिट में जाएंगे। सबसे पहले तो आपको डीसीए करना है और उसके बाद से जो आपका बाइंग का एवरेज है वो डिक्रीज करेगा, फिर मार्केट में रिकवरी होती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपके पास कैपिटल है तो मैंने आपको बता दिया डीसीए कर सकते हैं, और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो नॉर्मली आप अपने ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट के साथ इसमें भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, ये बियर मार्केट में आए हुए प्रोजेक्ट हैं तो बुल मार्केट में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो होप आपके वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।